हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अक्षय रंगन। वेलकम टू अवर चैनल संजीवनी क्लिनिक। आज हम जानेंगे फ्रेंड, छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादातर उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक, मींस वह एंटीबायोटिक जो ज़्यादातर डॉक्टर उपयोग में लाते हैं जब किसी भी बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सर्दी खांसी या फीवर आता है। इन सभी बीमारियों पर जो एंटीबायोटिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सभी एंटीबायोटिक्स पर बात करेंगे और साथ ही एंटीबायोटिक्स के कुछ ब्रांड नेम एंड साइड इफेक्ट्स भी जान लेते हैं फ्रेंड, जो कि क्रम अनुसार देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर वाइडली रेंज तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर जाएंगे। जो कि सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड, ओफ्लोक्सेसिन सस्पेंशन, जो कि मार्केट में जेनफ्लोक्स नाम से फेमस है, जो कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोग की जाती है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, प्रोस्टेट हो गया एवं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि ब्लेडर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया एंड पेल्विस में इन्फ्लामेशन हो गया, उस कंडीशन में भी आप ओफ्लोक्सेसिन सस्पेंशन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि सिमिलर जैसे कि बड़े एडल्ट पर्सन में यूज करते हैं टैबलेट्स सिप्रोफ्लोक्सेसिन एंड लेवोफ्लोक्सेसिन, उसी की तरह सिमिलर एक्टिविटी शो करता है फ्रेंड ओफ्लोक्सेसिन। सेकंड में बात करते हैं फ्रेंड एजिथ्रोमाइसिन, जो कि मेनली उपयोग की जाते हैं लंग्स इन्फेक्शन की ओर, जैसे कि निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, फारिंगाइटिस हो गया एंड सिनसाइटिस हो गया। टाइटिस मीन्स होता है फ्रेंड सूजन, किसी भी भाग में सूजन आ जाना, जैसे ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई में सूजन आ जाना। स्पेशली उपयोग किया जाता है इसका टॉन्सिलाइटिस में, गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है फ्रेंड। एंड कुछ स्किन इन्फेक्शन में हो जाता है, जैसे कि एक्ने हो गया फ्रेंड, एंड एजिथ्रोमाइसिन के जैसे सिमिलर ड्रग जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, सिमिलर ड्रग यूज किए जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन की तरह फ्रेंड। थर्ड में बात करते हैं फ्रेंड अमोक्सिसिलिन एंड क्लाउलिनेट्स एंड प्लेन अमोक्सिसिलिन। जो अमोक्सिसिलिन आते हैं फ्रेंड एल्मोक्स नाम से आते हैं और एल्मोक्स सीवी के नाम से आते हैं, जो कि क्लाउलिनिक एसिड होता है, को ट्रांसफर होता है, मंस किसी किसी जगह पर एमोक्सिसिलिन जाने में असमर्थ होते हैं, जैसे किसी को चोट लग जाना या पस वाला भाग हो जाना, उस भाग में एमोक्सिसिलिन जो है जाने में असमर्थ होता है, जो कि अपना कार्य शो नहीं कर सकता, उस कंडीशन में जो है क्लाउलिनिक एसिड उसके साथ कंबाइनेशन में दी जाती है फ्रेंड, जो कि मेनली उपयोग में ली जाती है टॉन्सिलाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, इन्फेक्शंस ऑफ ईयर, नोज, स्किन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड एच पाइलोरी में भी उपयोग हो जाता है, जैसे कि हेलिकोपाइरल बैक्टीरिया जो फ्रेंड स्टमक में जो छाले आ जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी एमोक्सिसिलिन का उपयोग हो जाता है फ्रेंड, जो कि एल्मोक्स नाम से और एल्मोक्स सीवी नाम से फेमस होते हैं फ्रेंड। फोर्थ में बात करते हैं सेपिक्सिम, जो कि जिप्पी नाम से फेमस है, ये मेनली उपयोग किया जाता है ईयर के इन्फेक्शन में, लंग्स के इन्फेक्शन में, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी उपयोग किया जाते हैं फ्रेंड एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी। अब बट आप इसमें मेनली ध्यान रखिए कि सेपिक्सिम का उपयोग मैक्सिमम डॉक्टर जो है वायरल फीवर में उपयोग की जाती है, जो कि नेगेटिव रिजल्ट शो होता है, तो सेपिक्सिम का उपयोग बिल्कुल भी आप वायरल फीवर के तौर पर मत कीजिए, जैसे कि कोल्ड, सर्दी, खांसी और बुखार में। हाँ, आप एमोक्सिसिलिन सस्पेंशन का उपयोग जरूर कर सकते हैं फ्रेंड। फिफ्थ में बात करते हैं सेफोडॉक्सिम, जो कि मोनोसेप ओ नाम से फेमस है मार्केट में, जो कि 50 mg और 100 mg में आता है, जो कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है, जो कि कुछ इन्फेक्शन में बताता हूँ उसमें सीवियर कंडीशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, जैसे कि ईयर का इन्फेक्शन हो गया, आई का इन्फेक्शन हो गया, नोज का इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली टाइफाइड फीवर में भी उपयोग किया जाता है फ्रेंड एंड यूरिनरी ट्रैक में भी इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में आप सेफोडॉक्सिम सस्पेंशन का उपयोग कर जा सकते हैं। और सेफोडॉक्सिम सस्पेंशन का उपयोग किसी भी प्रकार के सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे दीजिए आप, तो बिल्कुल भी उसको ख़त्म करने में भी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड। सिक्स में बात करते हैं फ्रेंड सेपिक्सिम विथ ओफ्लोक्सेसिन सस्पेंशन, जो कि महासेप प्लस नाम से मार्केट में आता है, जो कि उपयोग में लाया जाता है स्पेशली इन टाइफाइड फीवर एंड कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जहाँ पर अदर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, उस कंडीशन में आप महासेप प्लस मीन सेपिक्सिम विथ ओफ्लोक्सेसिन सस्पेंशन की ओर जा सकते हो फ्रेंड। धन्यवाद।